जेठालाल, समाज सेवा तो हमारे जमाने में हुआ करती थी। तुम्हें पता है, हमने नदी में पत्थर डाल के रास्ता बनाया था। क्या बात कर रहे भिड़े, तू हर बार हमारे जमाने ऐसा बोलता है, तो मुझे नहीं पता था तू रामायण के जमाने का है। तो कैसे हो भाई लोग, आज मैं एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसका जहर धीरे धीरे कोरोना वायरस की तरह दुनिया में फैलते ही जा रहा है। वो कौन है, वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदल। ये कतई गोरिल्ले के शक्ल का जैसा दिखने वाला प्राणी कभी खुद को संजय दत्त बोलता है तो कभी खुद को ऋतिक रोशन। पुलिस वालों ने झापड़ मारा, अंडरवर्ल्ड ने सुपारी निकाला, घड़ियां भी पहनी, हथकड़ियां भी, 308 गर्लफ्रेंड्स थी। अबे बट हो सड़ी बड़े चच्चा, एक बार फिर बोलना। 308 गर्लफ्रेंड्स थी। इधर आधे से ज्यादा लौंडे कांग्रेस के साथ समझौता करके जी रहे और ये बोल रहे 308 गर्लफ्रेंड्स थे। देख रहे हो टैलेंट, पैजामे के नाड़े से फांसी लगा ले। बड़ी टैलेंटेड है ये बुढ़ाओ, इनके और टैलेंट के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। हाथ के बल खड़े होकर बाल से झाड़ू लगा लेते हैं ये तो। चलो यार, इस बवासीर पैदा करने वाले प्राणी के कुछ भयंकर वीडियो पर नजर डालते हैं। पहली नजर इतनी बुरी शक्ल क्यों बना रहे हो चाचा, वैसे लग रहा है जैसे बिल्कुल गधा अंगड़ाईली हो। और मुंह में दांत नहीं बचे, शौक भी उम्र देख के पाले जाते हैं। एक पैर कब्र में और दूसरे केले के छिलके पर है। रस के कमर नहीं, रस के कब्र की तैयारी करो। कर गई आग ऐसी लगाई, मजा आ गया। ये ऋतिक रोशन है, लेकिन ये प्राणी कौन है? मुंह में एक भी दांत नहीं बचे, लेकिन चुतिया बना तो देखो, अपनी पोती के उम्र के लड़के को तड़िया रहा है। इस बिन मौसम बरसात के बुढ़ापे पे बुढ़ापा चढ़ा जा रहा है, लेकिन फिर भी इसके अंदर के हैवान को आज भी शांति नहीं मिली। अरे आराम से बहन, आराम से, पूरा बत्तीसी या बाहर आ जाएगा। अला इस दुनिया में क्या नौटंकी चल रहा है, दो चार दिन में टपकने वाले चाचा को देखकर लड़की मुस्कुरा नहीं रही है, पूरा का पूरा 36 ही बाहर दिखा रही है। जब ऐसा सीन देखने को मिल जाए ना, तो समझ जाओ दुनिया कम तो बहुत करीब है। आ गया जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियां, चांदनी मुस्कुराई, मजा आ गया। ओहो, पूरा बचपन बर्बाद। इसे देखने के बाद आज से पहले जितनी भी चॉकलेट खाई सारी टट्टी महसूस होने लगी। इतना ही नहीं, इस चुतिया के चाचा ने टेलर का भी रिमेक किया है। ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी। बिल्कुल सही बात है चाचा, जिस हिसाब से आपका शरीर है ना, ऐसा लग रहा है 2-2.5 दिन में खुद ही टपक जाओगे। और इससे अच्छी लोकेशन नहीं मिली, कतई कूड़े के ढेर पर शूट हो रही है रेस 3। जिस रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं ये बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूँ। ओहो, महान चुतिया और उसके सरदार, इतना खत्म शरीर होने के बाद भी सुनने को यही मिलता है। तो बहुत अच्छी बनाई है आपने, बॉडी तो बहुत अच्छी बनाई है आपने। ये सुनने के बाद तो बॉडी बिल्डर सारे हिमालय पर तपस्या करने निकल गए। फूल सांप सीढ़ी का बोर्ड है, कभी अप तो कभी डाउन। 22 का था, इतना ड्रग्स किया कि लंग्स ने जवाब दे दिया। हाँ तो किसने कहा था सस्ता नशा फूकने के लिए, छिपकली मार के पियोगे तो यही होगा। उनको क्या चुसेला हम समझा है? और हुआ क्या, उल्टा ऐसा बॉडी बनाया कि लोग मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। कहाँ है बॉडी, बॉडी तो दिखा ही नहीं दे रहा, जमीन खा गई या आसमान निकल गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं जो इस डेढ़ पसलू को मोहम्मद अली से कंपेयर करने लगे। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। भाई साहब, ये तो बस एक छोटा सा टेलर था।
अब बकचोदी नौजाने शरीर के किस क्षेत्र से बाहर निकलेगा? लव मी और हेल्प मी बट यू कांट इग्नोर मी विक्की तहाशा। बस आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन जानने से पहले एक शायरी। तन्हाई और जिंदगी जैसी भी हो काटूंगा, वादा है ये आपसे पर जहर कभी ना चाटूंगा। बस यार आज के वीडियो में इतना ही, बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। लव मी और हेल्प मी बट यू कांट इग्नोर मी विक्की तहाशा। तन्हाई और जिंदगी जैसी भी हो काटूंगा, वादा है ये आपसे पर जहर कभी ना चाटूंगा। अगर वीडियो पसंद नहीं हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।